आगे बढ़ते हैं और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की बात करते हैं। उनको जमानत मिल गई है। रायगढ़ में महाड़ दीवानी कोर्ट ने यह जमानत दी। थप्पड़ मारने वाले बयान पर गिरफ्तारी हुई थी। सीएम उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी की गई थी। कोर्ट ने अगले हफ्ते पेश होने का आदेश दिया है। पुलिस ने राणे की 7 दिन की रिमांड मांगी थी। राणे पर अलग अलग जगहों पर 4 FIR दर्ज है। तो अगले हफ्ते कोर्ट में पेश होने की बात कही गई है, आदेश दिया गया है। फिलहाल जमानत मिल गई है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को। बयान दिया था थप्पड़ मारने का और उसके बाद से अलग अलग जगहों पर 4 अलग अलग जगहों पर FIR दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी हुई थी नारायण राणे की, लेकिन अब खबर है कि उन्हें जमानत मिल गई है। और जमानत मिलने के बाद नारायण राणे के बेटे का ट्वीट आया है। बेटे नितेश राणे ने वीडियो के जरिए निशाना साधा है। फिल्म का वीडियो शेयर कर विरोधियों पर हमला किया है नितेश राणे ने। तो नारायण राणे के बेटे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर और उसके जरिए ये एक संदेश देने की कोशिश। आपको बताया कि नारायण राणे के बेटे हैं नितेश राणे, जिन्होंने ये वीडियो एक तरीके से शेयर करते हुए मैसेज दिया है। मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। तो फिल्म का ये वीडियो और इस वीडियो के जरिए कहीं ना कहीं अपने विरोधियों पर निशाना साधा है नितेश राणे ने। और नितेश राणे के इस वीडियो के जरिए विरोधियों को करारा जवाब देने की बात कही जा रही है। जमानत मिली नारायण राणे को और उसके बाद उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त देखिए किस तरह से हलचल है। एक बयान के बाद से सरगर्मी बढ़ी है और केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी के बाद से लगातार शिवसेना के कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ये तल्खी बढ़ी है, नेताओं के बीच ये तल्खी बढ़ी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।